अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स। तो हमारा लेसन नंबर क्या था? वास्तविक संख्या। क्या थी हमारी? वास्तविक संख्याओं, जिसे उर्दू में हम क्या कहेंगे? हकीकी आदात। तो इससे पहले मैंने आपको लेसन के अंदर, यानी कि वास्तविक संख्या के अंदर, मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था? यूक्लिडनी भाग प्रविधि थी, गुसा सोदो, और मिसालें हल करने के साथ साथ मैंने आप लोगों को मश्क 1.1 भी उसके साथ में ही आपको हल करवा दी थी। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो यूक्लिड के, मेरे ख्याल से आप लोगों को यूक्लिडनी भाग प्रविधि के तमाम दाखिले आप लोगों को आ गए होंगे, क्योंकि मैंने मिसालें भी हल करवाई और साथ में उसके नीचे ही मैंने मश्क 1.1 के तमाम उस यूक्लिड के ही मैंने दाखिले आपको, मश्क 1.1 भी आपको हल करवाई। अब हम आज दूसरा टॉपिक देखेंगे, नया है जो हमारे लिए, मिसाल नंबर 2। तो मिसाल नंबर 2 का हमारा पहला सवाल देखेंगे। सवाल ये है कि दर्शाओ के दरेक युग्म धन। अब युग्म का मतलब होता है, क्योंकि हमारे पेपर गुजराती में आने वाले हैं बेटा, तो युग्म को हम क्या कहेंगे उर्दू में? जुफ्त। क्या कहेंगे? जुफ्त। और धन का मतलब होता है मुस्बित। तो युग्म धन पूर्णांक, यानी के मुस्बित सही आदाद। क्या कहेंगे हम लोगों? मुस्बित सही आदाद। एक कोई पूर्णांक क्यू माटे 2Q स्वरूप माँ हो। स्वरूप का मतलब होता है शक्ल में हो। अने दरेक अयुग्म, अयुग्म का मतलब होता है ताक आदाद, जिसे कहेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, जिसको हम गुजराती में एक ही और बे की संख्या भी कह सकते हैं। लेकिन युग्म का मतलब होता है जुफ्त। तो जुफ्त के अंदर कौन कौन से दद आएंगे? 2, 4, 6, 8, इसको हम कहेंगे युग्म धन पूर्णांक। और अयुग्म का मतलब होता है 1, 3, 5, 7 पूर्णांक के क्यू माटे 2Q+1 स्वरूप माँ हो, ये हमारे को बताना है। तो सब चलो हम देखेंगे। ये आपको ये सवाल हार्ड लगता है, लेकिन बहुत ही इजी है। लेकिन आपको 2 या 3 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक ही एग्जांपल को अगर आप एक से दो बार करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जितनी भी मश्क है वो भी आपको आसानी से आ जाएगी। तो हमारे पास ये था। चलो अब हम इस हिसाब को हल करेंगे। तो हिसाब हल करने के लिए हम देखेंगे, सबसे पहले देखो मैंने क्या दिया है कि हमको यहाँ पर भी यूक्लिड का तरीका ही इस्तेमाल करना है, यानी कि यूक्लिड का जाप्ते के मुताबिक ही ये हमारा हिसाब हल होगा। तो फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, सबसे पहले कि फ़र्ज़ कीजिए कि ए ये कोई मुस्बित सही अदाद है। क्या है? ए हम यहाँ पर फर्ज कर रहे हैं, देखो ए ये कोई मुस्बित सही अदद है। क्या लिखा मैंने सबसे पहले कि फर्ज कीजिए कि ए ये कोई मुस्बित सही अदद है। अब बी बराबर हमको यहाँ पर क्या दिए लाए, देखो यहाँ पर बी बराबर हमारे को 2 दिए लाए, दिखा आपको? अगर यहाँ पर 3 होता तो मैं आपको बताऊँगी कि क्या करना है। बी बराबर हमको यहाँ पर क्या दिए लाए? 2 दिए लाए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे? यूक्लिड का तरीका। किसका इस्तेमाल करेंगे? यूक्लिड। तो यूक्लिड के मुताबिक, तो यूक्लिड का जाप्ता आपको याद है, मैंने आपको बताया था जाप्ता कौन सा है, और इसके अलावा मैंने आपको गूगल फॉर्म में भी भेजा था यूक्लिड का जाप्ता। तो हमको जाप्ते याद रहने चाहिए, क्योंकि मैं पहले से ही बोलती हूँ कि अगर आप लोगों को सूत्र याद तो नैया पार, आपकी जितनी भी टेंथ की बुक हैगी वो सूत्रों के ऊपर खेल खेलेगी। अगर सूत्र याद है तो समझो कि 10वीं की नैया बिल्कुल आपकी पार है। सबसे इजी है 9वीं कत्ते भी, मैथ्स 10वीं का इजी है बेटा। यूक्लिड के मुताबिक हमारे पास जाप्ता क्या था? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आया जाप्ता याद आपको? ए बराबर बी क्यू प्लस आर।
अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि जहाँ पर हमने ये लिया है बी ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो लिया, लेकिन इसके अलावा भी मैंने आप लोगों को बताया था तकसीम हल करके, क्या बताया था कि ज़ीरो छोटा होगा आर से और आर छोटा होगा किस से, बी से, ये मैंने आपको बताया था जहाँ। तो ये हमको लिखना है कि जहाँ पर कौन ज़ीरो छोटा होगा बराबर आर से और आर छोटा होगा बी से, याद आया आपको। अब फर्ज करो कि यहाँ पर मेरे को आर बराबर छोटा है, लेकिन हमारे को यहाँ पर क्या दिया है सवाल के अंदर टू क्यू प्लस वन, इसका मतलब ये होता है अगर मेरे को यहाँ पर एक दिया है, देखो ये बात ध्यान से रखो कि यहाँ पर टू क्यू प्लस मेरे को क्या दिया है एक दिया है, तो बी बराबर मेरा क्या है यहाँ पर दो है और आर बराबर हमारे को क्या चाहिए ज़ीरो होगा या फिर एक होगा। अगर मैं यहाँ पर तीन रखती हूँ फॉर एग्जांपल के टू क्यू प्लस थ्री, तो फिर आर बराबर हमारे पास क्या होगा ज़ीरो बराबर आर बराबर ज़ीरो भी होगा, आर बराबर एक भी होगा, आर बराबर दो भी होगा। बड़ी समझ आपको। अगर मैं फर्ज करो कि यहाँ पर टू क्यू प्लस फोर रखती हूँ, कितने रखती हूँ मैं टू क्यू प्लस फोर रखती हूँ, तो आर बराबर मेरे पास ज़ीरो होगा, एक होएगा, दो होएगा, तीन होगा, यानी कि एक अदद को हम कम कर देंगे शॉर्टकट। अब यहाँ पर मेरे को एक दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मेरा क्या होगा आर इज इक्वल टू ज़ीरो होगा या फिर कितने होगा एक, क्योंकि मेरे को यहाँ पर कितने दिए ले एक दिए ले, तो आर बराबर ज़ीरो होगा और आर बराबर एक होगा। पड़ी समझ, ध्यान से देखो, बहुत इजी है हिसाब बेटा। तो सबसे पहले हम जाप्ते के हिसाब से, ये जाप्ते को देखो, ये जाप्ते के हिसाब से मैं हल करूँगी। तो हम यहाँ पर लेंगे ए बराबर बी बराबर हमको कितना दिया है, मैंने बताया बी बराबर कितना है दो, क्यू हमको दिया है नहीं दिया है प्लस का प्लस, आर बराबर हमको कितना रखना है पहले ज़ीरो, ये मैंने ज़ीरो रख दिया। अब इसको अपने हल करें तो हमारे पास क्या निकलेगा, इसके अंदर प्लस करूंगी तो ए बराबर कितना निकलेगा टू क्यू निकलेगा, ए बराबर कितना निकलेगा मेरा टू क्यू। अब इसी तरह मैं देखो क्या रखूंगी, तो ए इज इक्वल टू बी बराबर कितना है हमारे पास दो और क्यू हमको दिया नहीं है प्लस आर बराबर हमारे पास क्या है एक है, ये हो गया हिसाब। ये हमारा हिसाब यहाँ तक, यानी कि इसको हम दे देंगे चलो मिस ये मसावत नंबर एक और मसावत नंबर दो, ये मेरी मसावत नंबर एक है और ये है मेरी मसावत नंबर दो। अब इसके अलावा इतना आपको समझ पड़ गई। अब इसके बाद हमको लिखना है बेटा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि देखो ध्यान से देखो मैं किस तरह से लिखती हूँ आपको, ये मान लो कि युग्म और अयुग्म को ध्यान में रखकर हमको लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी यहाँ पर कि ए बराबर टू क्यू लिया था, ए बराबर टू क्यू ये दो से तकसीम होता है, दो से तकसीम होता है ना, ये ए बराबर टू क्यू दो से, ये दो से तकसीम होने पर या फिर तकसीम होने से ये कौन सा अदद कहलाएगा, ये जुफ्त सही अदद है, ये हमारा पहला हुआ। अब हम कुछ के बाद क्या लिखेंगे हम, अब a बराबर टू क्यू प्लस वन क्या लिखेंगे, a बराबर टू क्यू प्लस वन ये दो से तकसीम हुआ मेरा, ये तकसीम नहीं हुआ क्योंकि दो से एक तकसीम नहीं होता है, एक कैसा अदद है ताक अदद है अयुग्म संख्या है, यानी कि तो a बराबर टू क्यू प्लस वन ये दो से तकसीम ना होने से ये क्या हुआ, ये ताक अदद है, ना होने से ये ताक सही अदद है, इतना हमको लिखना है। अब उसके बाद इस तरह
हम क्या लिखेंगे, इस तरह हर एक युक्त, क्योंकि मैं पहले बता चुकी युक्त 2, 4, 6, 8, इस तरह हर एक युक्त मुकम्मल सही अदद, ये कोई, इस तरह हर एक युक्त मुकम्मल सही अदद ये कोई क्यू के लिए, किसके लिए, क्यू के लिए, ये रहा क्यू के लिए, क्यू के लिए 2Q की शक्ल में होगा, 2Q की शक्ल में होगा। ये हमने किसके लिए लिया, जुफ्त के लिए लिया, किसके लिए लिया, जुफ्त के लिए लिया। अब इसके बाद हम आखिरी लिखेंगे कि हर एक ताक अदद, क्योंकि हमारे पास दो है, मुस्बित सही अदद भी है और ताक, तो हर एक ताक सही अदद के लिए कोई कोई क्यू के लिए 2Q+1 था हमारे पास, 2Q+1 की हर एक ताक सही अदद के लिए कोई क्यू के लिए 2Q+1 की शक्ल में होगा। तो ये हो गई हमारी मिसाल नंबर 2। इजी है, लेकिन सिर्फ आपको ये पढ़ना है, याद करना है। तो वापस देखो, मैं समझाती हूँ मैं आपको कि क्या दिया मैंने। सबसे पहले फ़र्ज कीजिए कि ए ये कोई मुस्बित सही अदद है, तो बी बराबर हमको कितना दिए लाए, यहाँ पर 2 दिए लाए, और आर बराबर 1 है। तो यूक्लिड के मुताबिक हम क्या करेंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर लेंगे, यानी कि आर बराबर हमारे पास 0 भी होगा या फिर 1 भी होगा। इसके बाद मैंने लिया a बराबर 2, b बराबर मेरे को 2 दिया है, q हमको दिया नहीं है, r बराबर कितने रखेंगे हम 0, तो a बराबर 2q। अब दूसरा हम क्या रखेंगे, a का a, b बराबर कितना दिया है हमको 2, और q बराबर हम कितना रखेंगे, नहीं दिया है, और r बराबर हमारे पास कितना है, 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर 2q ये 2 से तकसीम होने से ये जुफ्त सही अदद है, और a बराबर 2q ये 2 से तकसीम नहीं होने से ये ताक सही अदद है। इस तरह हर एक जुफ्त मुकम्मल सही अदद ये कोई q के लिए 2q की शक्ल में होगा, और हर एक ताक सही अदद के लिए कोई q के लिए 2Q+1 की शक्ल में होगा। तो ये हमने इसको, इसकी शक्ल में हमने इसको बता दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट मिसाल। चलो अब इसके बाद हम देखेंगे मिसाल नंबर 3। दर्शाओ के कोई पण अयुग्म धन, देखो अयुग्म आया, यानी कि पहली मिसाल से, इससे पहले मैंने आपको जो मिसाल की, यानी कि मिसाल नंबर 2 से मिसाल नंबर 3 और इजी है बेटा। दर्शाओ के कोई पण अयुग्म धन पूर्णांक ए कोई पूर्णांक क्यू माटे 4Q+1 4Q+3 स्वरूप में होए, यानी कि हमको कहाँ तक लिखने का, 3 तक, यानी कि r बराबर हमारे पास 0 भी होगा, 1 होएगा, 2 होगा, और कितने होंगे, 3 होंगे, कितने होंगे, 3, क्योंकि 4Q+1 अथवा 4Q+3। तो इसको हम कुछ के शक्ल में देने हैं। अयुग्म का मतलब होता है ताक अदद, और ताक अदद के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि देखो यहाँ पर b बराबर हमको कितना दिए लाए, 4 दिए लाए। इससे पहले की मिसाल में हमको b बराबर क्या दिया था, 2 दिया था, और उसमें मेरे को क्या दिया था, 1 दिया था, तो मैंने 0 और 1 लिया। यहाँ पर हमको क्या दिया है कि 4Q+1 अथवा 4Q+3, तो मैं a बराबर कितने लाऊंगी, 0 भी लाऊंगी, 1 भी लाऊंगी, 2 भी लाऊंगी और 3 भी लाऊंगी। तो सबसे पहले लेकिन हम क्या फ़र्ज़ करेंगे, मैंने सबसे पहले क्या लिखा था वहाँ पर कि फ़र्ज़ कीजिए कि ये तो सब में ही हमको लिखना है, फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पर देखो क्या है, अयुग्म है,
इसका मतलब इससे पहले की मिसाल में मैंने क्या दिया था, मैंने वहाँ पर मेरे को क्या दिया था, मुस्बित दिया था, युग्म दिया था। तो मैंने क्या लिखा है कि फ़र्ज़ कीजिए कि ए बराबर कोई मुस्बित सही अदद है, लेकिन इस मिसाल के अंदर मेरे को क्या दिया गया है, अयुग्म। तो मैं यहाँ पर क्या रखूँगी कि फ़र्ज़ कीजिए कि ए ये ताक सही अदद है, यानी कि अयुग्म संख्या है, हो गया। और क्या दिया है, बी बराबर कितना दिए लाइक 4, तो बी इज इक्वल टू कितना रख देंगे हम, 4 रख देंगे। अब इसके बाद देखेंगे कि यूक्लिड के तरीके के मुताबिक ही हम लेंगे, क्या लेंगे, तो यूक्लिड के मुताबिक यानी कि जाप्ता हमारा क्या था यूक्लिड का, यहाँ से लिखती हूँ मैं, ए प्लस बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या था हमारे पास, 0 छोटा होगा आर से और आर छोटा होगा किस से, बी से। अब इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए तो आर इज हम क्या रखेंगे, आर बराबर कितना रखेंगे, 0, 1, 2 और 3, कितने रखेंगे हम, 1, 2 और 3। तो आर इज इक्वल टू हम कितने रखेंगे, 0, 1, 2 या फिर 3। चलो सबसे पहले हम जाप्ते के हिसाब से हल करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए इज इक्वल टू बी बराबर हमको कितना दिया है, 4, क्यू हमको दिया गया नहीं है, प्लस आर इज इक्वल टू हम 0 रखो या ना रखो आपकी मर्ज़ी, मैं रख देती 0, चलो रख दिया मैंने आपको 0। फिर दूसरा हम क्या रखेंगे, ए बराबर 4 क्यू प्लस आर इज इक्वल टू कितना है, 1, ए बराबर 4 क्यू प्लस कितना रखेंगे हम, 2, और ए इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस 3, हो गया हमारा। अब ए बराबर 4 क्यू प्लस 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा और 3 रखा, क्योंकि हमको ऑलरेडी पहले से यहाँ पर दे दिया है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ऐसा कौन सा अदद है जो जुक्त है, देखो 0 से 4 दूंगी, यहाँ पर देखो 1 से दूंगी मैं 4 को तो तकसीम होता है नहीं होता है ना बेटा, 1, और दूसरा देखो 2 से 4 तकसीम होता है, तो हाँ होता है, 2 दूनी 4, 3 से 4 तकसीम होता है नहीं होता है, यानी कि मेरे पास कितने निकले, 1 और 3, कितने निकले, 1 और 3। इसके अलावा मेरे पास जो 4 क्यू है और जो 2 है ये 4 से तकसीम हो जाते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि ये जुफ्त तो अदद कहेंगे, लेकिन 1 4 से तकसीम नहीं होता है, 3 भी 4 से तकसीम नहीं होता है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, हमारा ताक अदद कहलाएगा। तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ से मैं लिखती हूँ इस तरह, 4 क्यू, देखो मैं बता रही हूँ 4 क्यू, और दूसरा क्या था हमारे पास, 4 क्यू प्लस 2, 4 क्यू प्लस 2, ये कैसे अदद होंगे हमारे पास, ये जुफ्त अदद होंगे, कैसे होंगे, जुफ्त सही अदद है। और दूसरा क्या आएगा हमारे पास, दूसरा क्या है, 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3, 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3, यानी कि ये और ये तकसीम नहीं होते, तो 4 क्यू प्लस 1 कोमा 4 क्यू प्लस 3 ये कैसे अदद कहलाएंगे, ये ताक सही अदद है। इस तरह बहुत ईजी, तो इस तरह कोई भी, इस तरह कोई भी मुकम्मल सही अदाद, इस तरह कोई भी मुकम्मल सही अदाद क्यू के लिए क्या आएगा हमारे पास, 4 क्यू प्लस 1, 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 1 और
फोर क्यूब प्लस थ्री की शक्ल में होगा, की शक्ल में होगा। पड़ी समझ आपको? तो ये हमारी दो मिसाल हल हुई। अब इसके बाद भी मश्क 1.1 के अंदर मिसाल जो हैगी मश्क 1.1 के अंदर यूक्लिड का जो मश्क 1.1 का एक हिसाब थे वो मैंने आपको हल करा दिए। ये मैंने आपको मिसाल हल करवाई। अब मश्क 1.1 की इसमें के जो दाखले हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में सिखाऊंगी।